कांग्रेचुलेशंस मैम, यू आर प्रेग्नेंट। रणबीर को चुना तो मेरे पास कभी वापस मत आना। आपने बिना मुझे जन्म दिए मुझे जिंदगी दी, पर मुझे अपने बच्चे को जन्म दे के जिंदगी भी देनी है, इसलिए मुझे रणबीर के पास जाना ही पड़ा। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, ना ही इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर संवारना है। वो तो मैं तुम्हें कभी बताऊंगी भी नहीं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैम डन। हाँ चलो। कंग्रेचुलेशंस, रिया इज प्रेग्नेंट। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? इससे पहले जब इस हॉस्पिटल आई थी तब सोचा था रणबीर को बता दूंगी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे दूंगी, बता दूंगी वो बाप बनने वाला। पर मैंने रणबीर को रिया के साथ देखा और मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैंने सोचा उससे बदला ले लूंगी, नहीं बताऊंगी उसे कि वो बाप बनने वाला है, उसका तीसरा सपना पूरा होने वाला है। ऐसा करके मैं उसे सजा दूंगी। पर सजा तो मुझे मिल रही है। मुझे पता चला कि रिया रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली है और रिया चाहती है कि मैं चली जाऊं इस घर से, रणबीर से सबसे दूर चली जाऊं। और मैं जाने भी वाली थी अपनी बहन की खुशी के लिए, ये जाने भी वाली थी मैं, पर उतने में सबको पता चल गया कि मैं मां बनने वाली हूं। ये नहीं होना था, किसी को नहीं पता चलना चाहिए था कि मैं मां बनने वाली हूं। रणबीर को सजा देने का, उसे बदला लेने का मेरा प्लान फेल हो गया, खराब हो गया। अब यहां रहने की कोई वजह ही नहीं है। जिया के लिए वैसे भी जाना ही था, चली जाऊंगी मैं। आई हैव टू लीव, अब मुझे जाना ही होगा। शाना, मेरी बात सुन, कुछ मत बोलना, बस सुनना। किसी को कुछ नहीं बताना, किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? स्ट्रेस में क्यों है? था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने कुछ कहा क्या प्राची और उसके बच्चे के बारे में? लेकिन प्राची, प्राची क्या? मैं आपको अभी नहीं बता सकती, मैंने आपको कॉल पे सब बताऊंगी, फिर अभी नहीं। अरे क्या पहेलियां बुझा रही, अभी नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी, कुछ बोलना। निदान वेट करो, मैं आपको सब बता दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अरे ए, शाना, ए, शाना, सुन तो शाना। प्राची कहाँ है? अरे नर्स, प्राची को क्या टेस्ट के लिए बाहर लेके गए क्या? नहीं सर, सारे सैंपल तो यही लिए थे, उन्हें कहीं नहीं लेके गए हैं, यही होंगी वो। यहाँ पर तो नहीं, वो कहाँ है किधर? शायद बाहर गई होंगी थोड़ी फ्रेश एयर लेने। थोड़ा अजीब बिहेव जो कर रही थी। अजीब मतलब क्या, कैसा बिहेव कर रही थी? जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं वैसे नहीं थी वो। अक्सर लोग ऐसी न्यूज सुनकर खुश हो जाते हैं, और वो तो जब मैंने उन्हें बताया कि आप कितने खुश हैं, खुशी से नाच रहे हैं, ये सुनकर तो वो सैड हो गए। कुछ तो बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। उनको कोई बात परेशान कर रही थी तो आप कहाँ थी? सर मैं यहीं। मैं यहाँ क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप पेशेंट के साथ रहे यहाँ पे। प्लीज काम डाउन सर, वो मैं देखती हूँ उनको, शायद बाहर होंगी वो। शायद बाहर, व्हाट यू मीन? बाहर नहीं है, मैं बाहर से ही आ रहा हूँ, ना वो अंदर है ना बाहर है। कहाँ है प्राची? सर प्लीज काम डाउन, मैं देखती हूँ, वो यहीं होंगी, शायद अपनी फैमिली से मिलने गई होंगी। प्लीज सर काम डाउन, मैं देखती हूँ उन्हें। पल्लवी कुछ भी कहो तुम अपनी फैमिली को हैंडल करने में ना बिल्कुल नाकाम रही। अरे फैमिली क्या, अपने बेटे को हैंडल करने में नाकाम रही हो। एक बात नहीं सुनता है तुम्हारी, अपनी मनमानी करता है। अरे दादी आप तो बड़ा तनतनाते हुए गई थी, वापस आ गई। मैंने शाना को प्राची के कमरे से निकल के भागते हुए देखा, मुझे डर लग रहा है कि प्राची के साथ कुछ हो ना गया हो। बस कीजिए मम्मी जी, प्लीज बस। प्राची
प्राची प्राची प्राची सारा टाइम प्राची के नाम की माला जपती रहती है आप। अरे इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता ना आपने, तो अब तक तो आपकी झोली खुशियों से भर देते वो। सुन तो लीजिए क्या कह रही आलिया, सुन तो लीजिए। तुम भी अभी रिएक्ट कर रही हो, पहले कर लिया होता ना तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। एक मिनट, क्या करना चाहिए था पल्लवी को हा? और अगर यही बात है तो तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर सकती थी? अरे तुम वो शादी रोक सकती थी, फ्रॉम द वर्ड गो ये शादी गलत थी। मैं भी तो वही कह रही कि वो जो शादी हुई वो गलत थी, कब से मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तुम भी कहाँ मेरी बात समझ रही हो, मैं रिया की बात कर रहा हूँ। रिया और रणवीर की शादी गलत थी। अगर हमारी शादी इतनी गलत थी तो आपने बीच में रोका क्यों नहीं, आप सपोर्ट क्यों कर रहे थे? तू जानता है उस वक्त मैंने वो शादी को सपोर्ट क्यों किया? क्यों किया था? क्योंकि पापा डरे हुए थे, और सिर्फ पापा ही नहीं हम सब डरे हुए थे। रिया ने ये साफ साफ बोला था कि अगर मैंने उससे शादी नहीं करी तो वो सुसाइड कर लेगी, अपनी जान की धमकी दी थी उसने मुझे। अब अगर कोई इंसान एक कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ता करता है तो क्या आपको लगता है वो उससे खुश हो पाएगा? इन द फर्स्ट प्लेस ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, बट हाँ ये शादी हुई और इस शादी से हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ सफरिंग। प्राची ने सफर किया है, हम सब ने सफर किया है, ऑल ऑफ अस। खैर किसी को पता है प्राची कहां पे? कहां पे मतलब अपने रूम में होगी ना, और कहां होगी? चलो क्या हुआ, फोन नहीं लगा? रणवीर प्राची 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 क्या कर रही हो रिया? वो खुशी बांटना चाहता है तो उसको बांटने दो ना। रिया पीछे हो जाओ, मौका दे दो। प्राची की प्रेगनेंसी पे मुझे फक्र है और तुम्हारी प्रेगनेंसी मुझे ऐसा लगता है गलती है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी यही भी लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो भी। विश्वास तुम्हें ऐसा करवाऊंगी कि लाइफ में कभी नहीं टूटेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। बिलीव इट और नॉट, प्राची गेम खेल रही है। अरे जैसे ही उसे पता चला कि रिया प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की न्यूज मिली, उसे रिया की खुशी नजर ही नहीं आई और पार्टी में बेहोश हो गई ताकि लगे कि वो प्रेग्नेंट है। सब नाटक है उसका। वो नाटक कर रही है हुँ? फिर से वो डॉक्टर भी पागल है जिसने चेक करके बताया कि प्राची प्रेग्नेंट है, वो भी नाटक कर रही है, वो झूठ बोल रही है शायद, है ना? एक बात मेरी है ना, ध्यान से सुन ले, आज बता रही हूँ दोबारा नहीं कहूंगी। प्राची ये घर छोड़कर जा रही थी ताकि वो रिया के खुशियों के बीच में ना आए, लेकिन मैंने उसे रोका था क्योंकि मैं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। और प्राची इसी शर्त पे यहाँ रुकी थी कि मैं किसी को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में ना बताऊं। तो तुम जिसको नाटक कह रही हो ना, उसका वो उसका नाटक नहीं, उसकी महानता है। आपकी वजह से मुझे वो सब देखना पड़ रहा है जो अगर सपने में भी देखूं तो डर के मारे मर जाऊं।
You have done nothing. I'm lost. I'm a loser because I trusted you, Bhuji. सॉरी टू, चलो अभी बहुत कुछ ठीक करना है. प्राची, 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 अरे सॉरी राज, अंधा है क्या? सॉरी प्राची. भाई साहब, ये आपने इस लड़की को ही देखा? नहीं देखा है. आपने इस लड़की को ही देखा? नहीं सर, देखा होगा. नहीं देखा है? नहीं सर. प्राची, भैया आप कहाँ हो? हाँ मैं यही हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाइए. शाना, प्राची कहाँ है? मुझे नहीं पता. तू जानती है, तू मुझसे छुपा रही है, मुझे बताना नहीं चाहती क्या? नहीं बता रही है तो रहने दीजिए ना, जाने दीजिए जहाँ जाना है प्राची को. कौन सा मरे जा रहे हैं जानने के लिए कि वो कहाँ गई है? आपके सीने में दिल भी है या नहीं है? आपको तो पता ही नहीं होगा कि दिल क्या होता है. दिल ना ये लेफ्ट में होता है पर हमेशा राइट लोगों के लिए धड़कता है, अपनों के लिए, और कभी कभी ना अपने दुश्मनों के लिए भी धड़कता है. पर आपके केस में ना शायद ये है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो दिल ही नहीं. तुम ना अपनी जबान संभाल कर बात करो मुझसे, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे. अगर आपको मेरी बकवास इतनी बुरी लग रही है ना तो ट्रस्ट मी, आपको दिन रात से बकवास सुनने की ही जरूरत है. शट अप शाना, अपनी हद में रहो. आलिया से ऐसे बात नहीं कर सकती तुम. आपने कभी इनको बोला है कि ये प्राची के लिए ऐसा ना बोला करें? नहीं, कभी भी नहीं बोला आपने, क्योंकि आप भी प्राची के लिए ऐसा ही सोचती हैं. तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे प्राची के बारे में क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं. तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती शाना, सो डोंट यू डेयर जज मी. आप वही थी ना जो लोगों को बता रही थी कि रिया प्रेग्नेंट है और वो ही इस घर की बहू है. अब तो सबको पता चल गया ना कि प्राची रिया से पहले से प्रेग्नेंट है, तो क्या आप उसे अपनी बहू कहेंगी? नहीं ना, कभी नहीं कहेंगी आप उसे अपनी बहू. और मुझे आपसे उसको बहू बुलवाना भी नहीं है. मेरा ना हो गया, मैं इस घर में थोड़ी देर और रही तो. एक्सक्यूज मी, हेलो 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 शाना, प्राची कहाँ पे? रणबीर, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ पर प्राची ने मुझे मना किया है. प्लीज मुझे बता दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ. प्लीज, तुम जानती हो मैं प्राची से प्यार करता हूँ. प्लीज, जानती हूँ मैं कि तुम प्राची से बहुत प्यार करते हो, ऐसा प्यार जो शायद ही कभी किसी ने किसी से किया होगा. पर रणबीर, तुम्हारा प्यार प्राची के लिए जहर बनता जा रहा है. जो प्यार उसकी खुशी की वजह था, वो प्यार उसके दुख की वजह बनता जा रहा है. प्यार वो होता है जो सताया जाए, जो दिखाया जाए, जो निभाया जाए. तो ना ही कभी तुमने अपना प्यार जताया ना निभाया. तुम्हारे प्यार में सिर्फ झूठे वादे हैं, सिर्फ दिखावा है और सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है. मैं ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. प्लीज. अच्छा, हमेशा की तरह? मैं जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ ना, वो सब कुछ खराब हो जाता है. मैं कितनी कोशिश करता हूँ तो. इस बार मैंने सोचा था कि पार्टी में मैंने रिया से डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवा लिए थे और मैं प्राची के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे. मैं क्या करूँ, एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई. मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था. मुझे लगता है ये जानने के बाद कि प्राची मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सब जानने के बाद मैं झूठ बोलूंगा. अब क्या बोलूँ तुम्हें? अपने होने वाले बच्चे की कसम, तब तुम उस पर भरोसा करोगी क्या मैं सच बोल रहा हूँ क्या? अगर तुम्हारी कही हर एक बात सच्ची है ना रणबीर, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि तुम प्राची को रोक लो. अगर आज वो इस घर से निकली ना, तो वो इस शहर से बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर. प्लीज जाओ उसे रोक लो, वरना बहुत देर हो जाएगी. नहीं, कहाँ है? कहाँ? Where is she right now? वो घर पर है, वो अपना सामान पैक कर रही है. थैंक यू सो मच शाना, थैंक यू. Oh.
भैया बीच चलिए। हाँ भैया कहाँ हैं आप? मैं आई। आप टैक्सी का नंबर क्या है आपकी? हॉड प्लीज प्लीज बस किसी तरह उस प्राची को भेज दो। रणबीर के आने से पहले प्राची को इस शहर से भेज दो। बस वो दोनों एक दूसरे से मिल ना पाए। दोनों के मिलने से पहले ही दोनों को अलग कर दीजिए प्लीज प्लीज। अपने साथ इस घर से कोई यादें नहीं ले जा रही। अपना सामान तो ले जाने दो ठीक से। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों परेशान? रोंदी रोंदी अखियों से सुपड़े भी बह बह जावे के नजर ना आवे की हुंदा प्यार कर रही है। तुम जल्दी से चले जाओ प्लीज। तो अगर यहाँ से चली गई ना तो रणबीर वो हम सबसे दूर चली जाएगी और फिर बहुत देर हो जाएगी। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज, मेरा बहुत जरूरी है घर पहुंचना। एक काम कीजिए इसको ओवरटेक कीजिए। देखिए 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 ओह शिट। आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? हाँ तो सॉरी ये मेरी वजह से। आप एक काम कीजिए ये पैसे रखिए, ले लीजिए, अपनी गाड़ी ठीक करा लीजिएगा, मैं यहाँ से भाग के जाता हूँ। Thank you so much. तुम्हें आज पता चला मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं चाहती हूँ मुझे रोज पता चले तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एक मेरा यारा एक यारी यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। राजी नहीं वे कदी भी ना रखना तू मुझसे, आपा बस सीखे जब से जुड़ी है जान तुझसे यारा मेरे। वो घर पर है, वो अपना सामान पैक कर रही है। तुम जल्दी से चले जाओ प्लीज। तो अगर यहाँ से चली गई ना तो रणबीर वो हम सबसे दूर चली जाएगी और फिर बहुत देर हो जाएगी। बताऊं कितना चाहूं मैं।
क्या जरूरत हो तो मेरी धड़कने मत जाओ। क्यों क्यों रुकूं मैं? मेरे लिए रुक जाओ। नहीं तुम्हारे लिए तो नहीं रुक सकती। अगर मेरे लिए नहीं रुक सकती तो हमारे बच्चे के लिए रुक जाओ।